हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन सी फेजेस के अंदर इन्वॉल्व होती है, उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो देखनी है ना, तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन के बारे में, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से, जो फीमेल प्राइमेट जो होगी ना, फीमेल प्राइमेट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें मंकियाँ हो, मंकी की, तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एक मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना, 28 से 29 डेज के अंदर कंप्लीट होता है। और इसका जो कंप्लीशन जो होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफरेंट वुमेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? या फिर अपन बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन की, इसकी अदर डेफिनेशन की बात करें, तो इसकी अदर डेफिनेशन इस प्रकार से है कि तो फीमेल्स होगी ना, फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव हार्मोन का सीक्रेशन होना या उनकी फंक्शनिंग का स्टार्ट होना रिप्रोडक्टिव साइकिल कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं कि फेजेस के बारे में, कि कौन कौन से फेजेस इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में। फर्स्ट फेज के अंदर, इसके अंदर लेते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी फेज के अंदर लेते हैं इसके अंदर फोलिकुलर फेज, फोलिकुलर फेज। उसके अंदर तीसरी फेज होगी ना, वो होगी ओव्यूलेशन फेज। और इसकी जो चौथी फेज होगी ना, वो होगी ल्यूटीलियर फेज। ये जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना, वो फोर फेज के अंदर कंप्लीट होता है। और इन जो फेज के जो नाम, जो नेम जो है ना, वो आपको अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक अगर बात हुई इनकी फेजेस के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में, कि मेंस्ट्रुअल फेज क्या होती है। तो मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होता है, ये फेज 3 to 7 डेज के अंदर कंप्लीट होती है। ये फेज 3 to 7 डेज के अंदर कंप्लीट होती है। और इस फेज के अंदर 3 to 5 डेज ब्लडिंग होती है। वो ब्लडिंग कैसे होती है, तो इसकी जो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग जो होती है ना यूट्रस की, उसकी जो क्या होती है, उसकी जो थिकनेस होती है ना, वो प्रेगनेंसी को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत जरूरी होती है। पर लेकिन इसकी ज़्यादा थिकनेस होना जरूरी नहीं है। और जिसकी ज्यादा थिकनेस जो होती है ना, तो उस थिकनेस का क्या होती है, उस जो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग जो होगी ना, उसकी शेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। शेडिंग के कारण ब्लडिंग स्टार्ट होती है। ब्लडिंग के साथ साथ म्यूकस और डिफरेंट टाइप के टिश्यूज का भी सीक्रेशन होता है थ्रू द वेजाइना। वेजाइना के द्वारा क्या होगा, इनका जो ब्लडिंग, ब्लड का, म्यूकस का और डिफरेंट टाइप के टिश्यूज है ना, उनका बॉडी से, उनको बॉडी के, बॉडी से आउट कर दिया जाएगा, बॉडी से सीक्रेट कर दिया जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? मेंटल फेज जो होगी ना, वो 3 to 7 डेज के अंदर कंप्लीट होती है। 3 to 5 डेज कंप्लीटली कंटिन्यू इसके अंदर क्या होता है, ब्लडिंग होती है। तो ये थी अपनी मेंस्ट्रुअल फेज। और दूसरी फेज के अंदर बात करें, तो दूसरी फेज के अंदर हम बात करते हैं फोलिकुलर फेज की। तो फोलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है, फोलिकुलर जो फेज होगी ना, 1 to 1 डे से स्टार्ट होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, 1 डे से स्टार्ट होती है फोलिकुलर फेज। और ये फेज 1 to 1 to 14 डेज के अंदर कंप्लीट होती है। और इस फेज के अंदर क्या होता है, ये फेज क्या करती है, ये मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है ना, उसके साथ ओवरलैप करती है। ओवरलैप कैसे करती है, क्योंकि ये जो फोलिकुलर फेज होगी ना, वो 1st डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट होती है। और जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है ना, वो 3rd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट होती है। तो ये क्या करती है, फोलिकुलर फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ओवरलैप करती है। यहाँ तक बात समझ में आई? ये क्या करेगी, साथ के साथ फोलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा सिग्नल सेंड किए जाते हैं अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड तक। तो प्यूटेटरी ग्लैंड क्या करती है, FSH और LH हार्मोन का सीक्रेशन करती है। और अब ये FSH जो हार्मोन जो होगा ना, ये क्या करता है, ये इसके द्वारा क्या होता है, ओवरी के अंदर 5 to 20 स्मॉल सेक्स का प्रोडक्शन होता है। उन 5 to 20 स्मॉल सेक्स को अपन फोलिकल्स बोलते हैं। और ईच फोलिकल्स के अंदर क्या होता है, ईच फोलिकल्स के अंदर एक इमेच्योर एग प्रेजेंट होता है। अभी इन 5 to 20 इमेच्योर एग के अंदर से एक जो हेल्थी एग होगा ना, वो हेल्थी एग को सिलेक्ट करके उस हेल्थी एग को इमेच्योर एग से मैच्योर एग के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इसके अंदर क्या होता है, कभी कभार एग से ज्यादा एग भी मैच्योर हो जाते हैं। और जो बाकी की जो फॉलिकल्स बच गए, बाकी के जो स्मॉल सेल्स बच गए, उनके उसको उसका क्या होगा, उनको दोबारा से बॉडी के द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आई? ये थी अपनी फोलिकुलर फेज। तीसरी फेज के अंदर आती है ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज के अंदर इसका नाम, फेज के अंदर हम बात करते हैं ओव्यूलेशन फेज के बारे में। तो ओव्यूलेशन फेज के अंदर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है ओवरी के द्वारा एक मैच्योर एग का, या फिर मैच्योर ओवम का रिलीज किया जाता है
इसके अंदर ओवुलेशन फेज के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ओवम का फॉर्मेशन हो गया, ओवम का रिलीज हो गया। तो अब ये ओवम क्या करेगा, ओवम ट्रेवल करता है फेलोपियन ट्यूब तक जाता है। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूज होता है ओवम स्पर्म के साथ। स्पर्म साथ फ्यूज होने के साथ क्या करता है, ये ओवम जो होगा ना ये फर्टिलाइज एग के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे यहाँ तक तो बात समझ में आई। ओवुलेशन फेज के अंदर क्या होता है, ओवम का एक ओवम को रिलीज किया जाता है, और वो ये ओवम क्या करता है, ओवम ट्रेवल करता है फेलोपियन ट्यूब तक। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर इसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ओवुलेशन फेज के अंदर। चौथी फेज के अंदर हम बात करते हैं ल्यूटीरियल फेज। अब ये जो एग रिलीज हुआ है यहाँ पे, एग क्या करेगा, अभी एक जो है ना एक येलो कलर के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होता है, जिसे अपन कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अभी कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो का जो लेवल जो होगा ना, अपने ओवरी हार्मोन जो होगा ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को अप डाउन करता है। और ये हार्मोन क्या करते हैं, हार्मोन प्रमोट करते हैं जो अपने यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम जो होती है ना लाइनिंग, उसको प्रिपेयर करने का काम करता है, उसकी थिकनेस को बनाए रखने का काम करता है। और साथ ही साथ क्या करता है, ये इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन एग के इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ये हार्मोन, दोनों हार्मोन। और तो साथ ही साथ क्या करते हैं, जो ये ओवरी होगी ना, ये फीमेल की जो बॉडी होगी ना, फीमेल की बॉडी के साथ बॉडी के अंदर एक और हार्मोन का सीक्रेशन होता है, जिसे अपन बोलते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन जो अपनी प्रेगनेंसी स्टेब्लिश हुई या नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये हार्मोन यूजफुल होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब अपन बात करते हैं जो जो FSH और LH का जो लेवल जो होगा ना ओवुलेशन फेज के अंदर, ओवुलेशन इसके फॉलिकुलर फेज के अंदर, जो ये क्या होगा फॉलिकुलर फेज के अंदर FSH और LH लेवल, एनएच का जो लेवल जो होगा ना 14 डेज के अंदर राइज अप, मतलब एक टॉप लेवल तक चला जाएगा FSH और एनएच का, एनएच हार्मोन का लेवल 14 डेज के अंदर, 14 डेज के अंदर। तो 14 डेज के अंदर क्या होगा, 14 डेज के अंदर एक ओवम का रिलीज होना है, एक ओवम को रिलीज कर दिया जाता है 14 डेज के अंदर, FSH और LH हार्मोन का लेवल राइज होता है, और साथ ही साथ एक ओवम को रिलीज कर दिया जाता है ओवुलेशन फेज के अंदर। और जो आपने जो ल्यूटियल फेज होगी ना, ल्यूटियल फेज के अंदर जो कार्पस ल्यूटियम, अगर ये कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम सेल ऑफ मास, ये एक येलो कलर की स्ट्रक्चर होती है, जिसे अपन सेल ऑफ मास बोलते हैं। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये क्या करेगी, ये कार्पस ल्यूटियम जो होगी ना एक येलो कलर की डिस्ट्रॉय कार्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, अपन या फिर अपन बात करें ये कार्पस ल्यूटियम जो है ना कार्पस एल्ब्रिकेंस के अंदर चेंज हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में ओवरव्यू, की मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कौन कौन से फेजेस इन्वॉल्व होती है, तो डिफरेंट टाइप के फेजेस के अंदर इन्वॉल्व होती है। और ये क्या होता है कि ये यूट्रस की इवेंट होती है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है यूट्रस की, जो कि कम ज़्यादा हो रही है डे टू डे, यहाँ पे देखना आप डे टू डे कम ज़्यादा हो रही है इसकी, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है ना यूट्रस की ये कम ज़्यादा हो रही है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना उसका क्लोज होना या फिर उसका बंद होना मेनोपॉज कहलाता है, जो कि 45 से 15 ईयर की एज के अंदर कंप्लीट होता है। दोस्तों ये था आज का अपना ओवरव्यू ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।